क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे शुरू हुआ, क्या पूरी घटना थी, आज पूरा घटना के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। उससे पहले मैं कुछ बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, जैसे नम्रता पांडे और आपका जाकर के दिलीप यादव और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो लगातार कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन और ज़्यादा बढ़ाते हैं। स्मार्ट क्लास आपका शुक्रगुजार है कि आप हमें और प्रोत्साहित करते हैं। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद हमें और मनोबल बढ़ता है हमारा और शक्ति मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं कॉमेंट्स के जरिए और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पॉइंट्स को। सबसे पहले देखिए होता क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसकी शुरुआती घटना को मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि 1973 से 1978 के बीच में आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव के अंतर्गत पंजाब के कुछ क्षेत्र को, ठीक है, पंजाब के कुछ क्षेत्र को जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं सरकारी असुविधाएं थी, उन असुविधाओं को हटा करके वहाँ कुछ मांगें रखी गई, जिसके तहत वहाँ पर विकास दर को बढ़ाना था, साथ ही साथ वहाँ की जो बनावट था उसको चेंज करना था, उसके बाद वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे अस्पताल हो गया, अच्छे सड़क हो गए, और वहाँ पर जो लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था सरकार का उसको बंद करना था। और इसका जो पूरा लेखा जोखा था, इसका पूरा नेतृत्व जो जनरल सिंह भिंडरवाल, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार के सामने यानी एक पक्ष रखा और प्रस्ताव दिया कि हमें कुछ उपलब्धियां चाहिए जिस तरह अन्य राज्यों को मिली है, जैसे पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पंजाब के लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलना चाहिए, पंजाबियों के लिए जो ये है राजधानी वो चंडीगढ़ स्पेशली होना चाहिए, उसमें हरियाणा या फिर अन्य किसी राज्य को नहीं शामिल करना है। उसके बाद जो सतलुज यमुना का जो ये पूरा क्षेत्र था, जल क्षेत्र था, उससे जो बिजली निकलती या पनबिजली का जो उत्पादन होता उसका पूरा जो कैपेसिटी है या पूरा कंट्रोल जो है वो पंजाब सरकार को के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र के पास। और इस तरह जनरल सिंह भिंडरवाल को इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन इसको सरकार ने उतनी ज़्यादा एक्टिवेट मोड में नहीं लिया, उतना सीरियसनेस नहीं लिया इसमें। सरकार को ये लगा कि ये छोटा मोटा मांग है, इसको क्या करने से क्या होगा, लेकिन इससे बहुत सारा यानी कि संवेदना जुड़ा था पंजाबी भाइयों का, और सरकार की गलत नीतियों के कारण इनके इन मांगों को अनदेखा कर दिया जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1978 में अकाल दल, जिसको अकाली कार्यकर्ता भी आप बोल सकते हैं, तो अकाली कार्यकर्ता और निरंकारियों के बीच में बहुत जोर लफड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मार होता है, मारकाट होने लगता है, जिसमें 13 जो अकाली दल के नेता होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, और इससे वहाँ के क्षेत्र में आतंक फैल जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को क्या होता है कि बहुत परेशानी होता है, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा युद्ध होता है जिसमें अकाली कार्यकर्ता और निरंकारियों के बीच में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये पूरा क्षेत्र पंजाब का पूरा क्षेत्र था, खास करके अमृतसर के जो क्षेत्र थे, वहाँ के छोटे बड़े गाँव जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और ये प्रतिरोध जो था लगातार चल रहा था, कहीं कहीं पर लगातार थोड़े मोड़े झगड़े हो रहे थे, कहीं पर हिंसक घटनाएं देखी जा रही थी, कहीं पर आंदोलन हो रहे थे, कहीं पर पुतला दहन, तो कहीं पर मतलब कि निर्दोषों को मारा जा रहा था। उसके 3-4 साल बाद 1981 में पंजाब केसरी के एक संपादक थे जिनका नाम था लाल जगत नारायण, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, साथ ही साथ कुछ और बेगुनाहों की हत्या हो जाती है वहाँ पर। इसका पूरा श्रेय जो है वो अमृतसर के क्षेत्र में होता है, और इसको करने वाले जनरल सिंह भंडरवाल थे, ठीक है, जिन्होंने इसका दायित्व लिया कि ये हमारे द्वारा किया गया, क्योंकि उनकी मांगों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा था। अब ये जो पूरा मोमेंट था जब एक बड़े पत्रकार की मृत्यु होती है, तो पूरा माहौल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सरकार की होश जो थी अब धीरे धीरे वापस आ रहा था, सरकार का नींद खुलना शुरू हो गया। इसके बाद दोबारा पुलिस और प्रशासन जो है जनरल सिंह भंडरवाल को पकड़ने के लिए और उनके पूरे जितने भी संगठन थे, ठीक है, जितने भी संगठन थे उन्हें ख़त्म करने के लिए लगातार ऑपरेशंस करती है, लेकिन वो डर से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। अंततः एक गुरुद्वारा के समीप जनरल सिंह भंडरवाल को पकड़ लिया जाता है, और इनको पकड़ते ही वहाँ पर और ज़्यादा उग्र हो जाता है सब कुछ,
मतलब जो जनरल सिंह भंडरवाल के जो कार्यकर्ता थे वो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और पुलिस के साथ उनका बहुत भयंकर झड़प हो जाता है, जिसमें काफ़ी हताहत होता है, काफ़ी बहुत कुछ मतलब मारकाट शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस के सेनाओं को मारा जाता है और इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद अकाली दल जो था उसे एक सोर्स मिल जाता है जनरल सिंह भंडरवाल के साथ, क्योंकि जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बहुत सारी और घटनाएं बढ़ने लगती है, क्योंकि जहां ये युद्ध शांत होने वाला था, यह गृह युद्ध शांत होने वाला था, इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। यहां और यह युद्ध यानी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मारपीट शुरू हो जाता है और इसमें पूरा संयोग जो था अखिल भारतीय सिख छात्र संघ करता है जनरल सिंह भंडरवाल के कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि यहाँ एक अमेरिक सिंह जो था उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। कारण ये था कि वो सतलुज यमुना जो नहर बन रहा था ना, उस नहर परियोजना को रोकना चाहते थे, तो उसके केस में अमरीक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और अमरीक सिंह को गिरफ्तार इधर कर लिया गया, उधर भिंडरवाल को भी पकड़ने का प्रयास किया गया था और उन्हें भी पकड़ लिया गया था। अब इन दोनों को पकड़ लिया गया तो दोनों तरफ के कार्यकर्ता क्या हुए, आपस में विलय हो गए और विलय करने के बाद पूरा पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया जाता है और उन्हें छुड़वा लिया जाता है। उन्हें बाहर निकालने के बाद एक उस समय के जो वहाँ के बोल सकते हैं मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जिनका नाम था दरबार सिंह, उन्हें गोली मार दी जाती है। तो गोली मारने के बाद उन्हें कंधे में गोली लगती है लेकिन वो मरते नहीं हैं और इसके बाद ये मामला और ज़्यादा उग्र हो जाता है। इस सभी को देखते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, तुरंत कांग्रेस की सरकार को वहाँ से हटाया और राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहाँ का जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एग्रेसिव मोड में चल गया और इससे ठीक है वहाँ का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में चल गया और इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। इसके बाद ओरिजिनल गेम शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से अब पूरा जो कमान था वो इंडियन आर्मी भारतीय सैनिक के पास पहुँच गया है। होता क्या है कि 1 जून को 1985 में आम चुनाव होने वाला था और इंदिरा गांधी चाहती थी कि 1985 से पहले जितना मामला है सब सलट लिया जाए ताकि उन्हें सामान्य वोट मिले और वो फिर से सत्ता में आए। इसलिए 1 जून को, याद रखिएगा डेट, 1 जून को जनरल सुभेग सिंह ठीक है और उनके जो कार्यकर्ता थे सिख स्टूडेंट फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता थे, उन सभी ने मिलकर क्या किया, अमृतसर के पूरे प्रांगण को घेर लिया और वहाँ पर भारी मात्रा में असला बारूद और रॉकेट लॉन्चर्स और बहुत तरह के एंटी टैंक मिसाइल्स को क्या किया, इकट्ठा करने लगे। अब ये बात आता है कि इन्हें इतनी भारी मात्रा में असला बारूद मिला कहाँ से, तो जब इसे रॉ ने और आईबी ने इसे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये चीन के द्वारा दिया गया हथियार था जिसे पाकिस्तान ने दिया था इन लोगों को ठीक है, और इसका भारी मात्रा में भंडारण किया जाता है अमृतसर के उस क्षेत्र में जहाँ पर आज स्वर्ण मंदिर है, उसके अंदर इसको भारी मात्रा में रखा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, सरकार को सीधा चैलेंज कर देते हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, अब पंजाब या फिर अब आप इस क्षेत्र को अलग करो, ये भारत से अलग होना चाहता है, हम लोग खालिस्तान का मांग कर रहे हैं। बात समझिए यहाँ, खालिस्तान का मांग कर रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान अलग हुआ था ना उस तरह ये लोग खालिस्तान का मांग कर बैठे कि हमें खालिस्तान चाहिए और इसके लिए चाहे जो हो हम लोग करेंगे, क्योंकि उन लोग ऐसे जगह को कैप्चर किए थे जिस जगह पर पुलिस नहीं जा सकता था, जहां फायरिंग नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक पवित्र जगह था स्वर्ण मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान पर फायरिंग नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने भी ये देखा कि जिस जगह पर पहले ही खून बह चुका है, जहां पर इतने लोगों को मारा जा चुका है और इतनी ज़्यादा हड़कंप हो चुकी है, वहां पर अब पुण्य का बात तो दूर, वहां शांति तो होगा ही नहीं, इसलिए सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया। तीनों जो सेनाध्यक्ष है, वायु हमारे जो एयरफोर्स कमांडर हैं, जो नेवी कमांडर है और जो हमारे स्थल सेना कमांडर है, उनसे बिना परमिशन लिए वहाँ पर इंडियन आर्मी को भेज दिया। 2 जून को हरमिंदर साहिब परिसर में बहुत बड़ा एक उत्सव होने वाला था, हरमिंदर साहिब परिसर में बहुत बड़ा उत्सव होता, क्योंकि 3 जून को जो था अर्जुन देव जी का जन्मदिन था या शहीद दिवस था, सॉरी 3 जून को अर्जुन देव जी का शहीद दिवस था और 3 जून को अर्जुन देव जी के शहीद दिवस पर बहुत भारी मात्रा में वहाँ सिख समुदाय पहुँचा हुआ था। और 3 जून को जब वो ये पूरा बोल सकते हैं समारोह होने वाला था, तो इस समारोह को
पूरी तरह क्या किया गया, पूरी तरह आतंकित कर दिया गया और जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे सबको बंधक बना लिया गया। इस बंधक बनाने के कारण भारतीय सेना जो थी वो बिना हिचकिचाए 3 जून को ही क्या की, अमृतसर के गुरुद्वारा टेम्पल या हम लोग गोल्डन टेम्पल जिसको बोल रहे हैं उस गुरुद्वारे को पूरी तरह क्या किया, किलेबद्ध कर दिया या फिर घेर लिया। और घेरने के बाद याद रखिएगा जब सब लोग वहाँ पूजा करने गए थे तो उन्हें क्या किया गया था, अंदर से कैप्चर कर लिया गया था भिंडरवाल जी के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा। अगर कोई भी उनके विरुद्ध बोलता था उनको सीधे गोली मार दिया जाता था। अगर कोई उसका विरोध करता था ना, मान लीजिए किसी बंधक, कोई बंधक बना के रखा है, वो बंधक अगर बोल रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं तो उसे सीधा गोली मार देते थे। इसी डर से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा था और इतने भारी मात्रा में असला बारूद था कि कोई कुछ करने से डर रहा था। अंदर में सिख भाई सब भी नहीं कुछ कर पा रहे थे। और इसी चीज़ का पूरा फायदा क्या किया भिंडरवाल और उनके कार्यकर्ताओं ने, क्या किया पूरे क्षेत्र को घेर लेते, सेना भी वहाँ पहुँच गई। पूरे मिशन को अंडर कंट्रोल में लेने के बाद याद रखिएगा जितनी भी एरियाज थे उसके सामने सभी को 4 जून को कर्फ्यू लगा दिया गया। कोई भी विदेशी पत्रकार को वहां जाने से रोक दिया गया। पंजाब अब पूरी तरह रेड अलर्ट पे था क्योंकि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था। 5 जून को वहां पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है क्योंकि 4 जून से ही वहां लगातार गोला बारूद चलना शुरू हो गया, लगातार फायरिंग हो रहा था, लगातार मरने की और मतलब कि डेड बॉडीज की आना जो था आवाजाही वो चालू थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें इंडियन आर्मीज़ को दिक्कत हो रहा था। भारतीय सेना को दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि भंडरवाल और उनके कार्यकर्ता ऐसे जगह पे छुपे हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जगह था। ठीक है, ये सेंसिटिव जगह में गोलियां नहीं चलाई जा सकती थी क्योंकि ये क्षेत्र था अकाल तख्त। देखिए जिस तरह अकाल तख्त क्या है वो बता देता हूँ। अकाल तख्त जो है सिख धर्म का सबसे सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ पर आप कुछ गलत नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग के लिए शिव जी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनका बाबा मंदिर जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उनको, जिस तरह मुस्लिम सब के लिए मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह अकाल तख्त सिखों का सबसे पवित्र स्थान था। सरकार ने साफ साफ कहा था कि वहाँ कोई भी फायरिंग नहीं करिएगा, लेकिन इसका पूरा फायदा भंडरवाल और उनके कार्यकर्ता उठा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वहीं से फायरिंग कर रहे थे जहाँ पर वो लोगों जानते थे कि यहाँ इंडियन आर्मी फायरिंग नहीं करेगा। और वो छुप छुप कर इस तरह से 83 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। ये सरकारी आंकड़े हैं, रियली में बहुत ज़्यादा मरा था। ठीक है, अभी भी ये विवादित है। तो उसका पूरा फायदा उठा रहा था। अब बारी था इंडियन आर्मी का, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास कोई उपाय ही नहीं था, वो कैसे वहाँ फायरिंग करता, वहाँ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। और इसलिए इंडियन आर्मी ने ये कहा कि हम इसका सामने से जाके मुकाबला करेंगे। इसके लिए 5 जून को रातों रात वहाँ बड़े बड़े एंटी टैंक जो थे या बोल सकते हैं तोप उतार दिए गए और टैंकों को भेज दिया गया सामने से युद्ध करने के लिए, ताकि रात के अंधेरे में लाइट के द्वारा उनसे लड़ा जा सके और जो अकाल तख्त था उसका ऊपरी दीवार को गिरा सके, ताकि जो वहाँ लोग छुप के हमला कर रहे हैं वो वहाँ से हट जाए। और वहाँ मिसाइल लागे जाते हैं, कुल 80 तोपों के गोलों को वहाँ दागा गया था, जिसके बाद बहुत सारे अकाली दल के जो नेता थे वो मारे गए, बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई। और अंततः 6 जून को पूरी तरह यह मिशन जो था, ठीक है, तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। उसके बाद 6 जून 7 जून और 8 जून को पहली बार था पूरा सदी में जब पहली बार इस गुरुद्वारे में गोल्डन टेम्पल में कोई भी तरह का पूजा नहीं हुआ। 8 जून तक वहाँ शमशान की जैसा शांति रहा, लोग ना वहाँ आना जाना कर रहे थे, सब कुछ बंद था क्योंकि बहुत बड़ा हिंसक घटना हुआ था। इसके बाद इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने पूरी तरह दूरदर्शन में आके इस बात को बताया कि वहाँ सब कुछ ठीक है, पंजाब अब सुरक्षित जोन में आ गया है, अब वहाँ पर कोई भी तरह का हड़ताल या कोई भी तरह का आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रहा है। यह एक गृह युद्ध था, लेकिन इस गृह युद्ध ने बहुत कुछ खोया था और इसके जो मेन प्रभाव था वो देखने को मिलता है 31 अक्टूबर 1984 को, जब 9:29 में इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह था, इन दोनों ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया। ये दोनों अंगरक्षक थे और दोनों सिख समुदाय से थे और दोनों ने इंदिरा गांधी को सामने से अपने मैगजीन गोली का जो मैगजीन पूरा होता है उसको खाली कर दिया मार करके। इंदिरा गांधी का डेथ हो जाता है। डेट को याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1984 को ये घटना हुई, जिसके बाद भारत में बहुत जगह पर सिख समुदाय के साथ क्या हुआ, बहुत गलत व्यवहार किया जाने लगा,
बहुत बेगुनाहों को मारा गया और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पूरा देश जो था वो एक अलग आग में तप रहा था। पहली बार सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था, लगातार अशांति फैल रही थी, जिसके बाद चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया, चारों तरफ शांति के लिए सेना खड़ी हो गई और देश को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। धीरे 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 देश की जो स्थिति थी उसको सामान्य किया गया, लेकिन इसमें भारत के 83 सैनिक भी गए, 249 सैनिक घायल हुए, साथ ही साथ 493 चरमपंथी जो सेना थी जो अपोजिट की तरफ से लड़ रही थी, या बोल सकते हैं भंडरवाल के कार्यकर्ता जो थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और 1500 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी ली जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं, आंकड़ा कुछ और है लेकिन ये सरकारी आंकड़े ही हैं। इस पर अभी भी विवादित बयान चलते रहता है कि इतना नहीं हुआ था, इससे ज़्यादा हुआ था। और इस कैजुअलिटी के बाद पूरी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार को ख़त्म किया गया। तो इस तरह का एक घटना हुआ था जिसने भारत के इतिहास को झकझोर दिया था और खालिस्तान का जो मांग था उसको पूरी तरह नकार दिया था। देखिए, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी समुदाय के हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ हमें सुबह में मंदिर की घंटी के साथ अजान की भी आवाज़ सुनाई देती है। तो धार्मिक युद्ध मत करिए, देश का विकास करिए, अपने बच्चों का विकास करिए। जो पैसे हम दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं, उस पैसे को आप अपने बाल बच्चे और अपने देश के विकास में लगाइए। आशा करते हैं कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की जितनी भी बिंदु थी सब समझ में आ गए होंगे, सभी घटनाओं का। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।